अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप अपने अलराजी बैंक की एप्लीकेशन से इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में पैसा भेजना चाहते हैं वो भी फर्स्ट टाइम भेजना चाहते हैं उसकी बेनिफिशी ऐड करना चाहते हैं और सक्सेसफुली पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना अलराजी बैंक का जो अपलिकेशन है इसको ओपन करना है इसमें ओपन करने के बाद ही आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से बेनिफिशरी ऐड कर सकते हैं इंटरनेशनल और पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं दोनों आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पे ओपन हो चुका है यहाँ पे मैं लॉग पे क्लिक करके यहाँ पर नीचे मैं लॉग पे क्लिक करूंगा यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे मैं इंटर करके लॉग कर लेता हूँ सक्सेसफुल और आप भी लॉग कर लीजिए और लॉग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा आप किस तरीके से इसमें आपको क्या करना है तो इस तरीके से आएगा यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है अब यहाँ पे कोड भी आ चुका है अब यहाँ पे सिर्फ अलाउ पे क्लिक करना है तो हमारा जो अलराजी बैंक एप्लीकेशन है सबसे सक्सेसफुल लॉग इन हो जाएगा यहाँ पे जो बैलेंस है आपको बैलेंस भी सामने दिख जाएगा तो आपको इंटरनेशनल ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसफर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे यहाँ पे ट्रांसफर दिखेगा आपको इस पे क्लिक करना है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको ऊपर से दूसरी लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल बेनिफिशरी आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंटरनेशनल बनीफिशरी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे आप जितने भी बेनिफिश्री ऐड किया होंगे आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रही बेनिफिशरी अगर आपको कोई नई बेनिफिशरी पे पैसा भेजना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्लस पे जहाँ पे बना हुआ है एड न्यू बेनफिशरी यहाँ पे लिखा हुआ तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एड न्यू बेनिफिशरी पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ कंट्री नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट कंट्री आपको यहाँ पे क्लिक करना है आप जो बेनिफिशरी ऐड कर रहे हैं वो कहाँ की है वो किस कंट्री की है आपको वो कंट्री यहाँ पे आपको ढूंढ लेना जैसे पे लिख देता हूँ इंडिया लिख देता हूं तो आप देख सकते हैं मैं इंडिया यहां लिख दिया हूं आई एनडी लिखा हु और इंडिया यहाँ पे लिख के आ चुका है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा इंडिया के ऊपर अब नीचे यहाँ एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लिखा हुआ करेंसी आपको यहां पे क्लिक करना है करेंसी के ऊपर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है फर्स्ट में लिखा हुआ है इंडियन रुपीस अगर चाहे तो आप इंडियन रुपीस की करेंसी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट डॉलर अगर आप चाहे तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में भी ऐड कर सकते हैं तो आपकी मर्जी आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं तो मुझे तो करना है इंडियन रुपीस में तो यहाँ पर मैं इंडियन रुपीस पे क्लिक कर दूंगा अब यहाँ पे यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट डिलीवरी ऑप्शन आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट में दिखेगा वॉलेट और यहाँ पे सेकंड में आपको दिखेगा ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे थर्ड में दिखेगा कैश पिकअप तो हम मुझे करना है बैंक अकाउंट में तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट में क्लिक करूंगा बैंक अकाउंट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा रहेगा सेलेक्ट आइटम एन आइटम आपको यहाँ पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट में लिखा हुआ बैंक सेकंड में लिखा हुआ मनी ग्राम तो यहाँ पे मैं बैंक पे क्लिक करता हूं जब बैंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बैंक लिखा रहेगा उसके नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट बैंक आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेलेक्ट बैंक के ऊपर आप किस बैंक की बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पे सर्च कर लेना तो मेरा यहाँ पे जो बैंक ऑफ इंडिया का मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ यहाँ पे मैं कर लेता पे मैं लिख दूंगा बैंक ऑफ इंडिया सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ इसमें क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा आपको थोड़ा नीचे ले जाना है अब यहाँ पे आपको दिखेगा स्विफ्ट कोड आई एफ सी कोडते हैं लिखा हुआ, स्विफ्ट, तो आपको यहां पर अपना जो स्विफ्ट कोड है यहाँ पे आपको डाल देना है अगर आप चाहे तो आई एफ सी कोड से भी डाल सकते हैं चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि आई एफ सी कोड से ये होता है कि नहीं होता अगर नहीं होगा तो हम आपको दिखाएंगे कि आप अपना स्विफ्ट कोड किस तरह से निकाल सकते हैं गूगल से और इसे किस तरह से इसमें डाल सकते हैं तो चलिए हम अपना आई कोड यहाँ पे डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना कोड डाल दिया हूं हूँ पहले से यहां पे जो आई कोड यहां पे रहेगा तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है लेकिन वो आई कोड गलत होता है तो आपको उस पर कुछ करना नहीं है आपको वहां से बै करके कर अपना आई कोड यहां पे डाल देना है अगर आईफ कोड से अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप स्विफ्ट कोड से किस तरीके से कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं अपना आई कोड डाल दिया हूँ अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आई एफ आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया हूँ आई पे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे लिखा गया है स्विफ्ट कोड यहाँ पे आपसे जो पूछा है स्विफ्ट कोड आई कोड नॉट फाउंड दिखा रहा है तो हमको चलो मैं आपको दिखाता था यहाँ पे स्विफ्ट कोड किस तरह से डालना है क्योंकि आई कोड सपोर्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर बैंक ऑफ पे लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इसका जो हम आईसी कोड निकालना है तो हम क्या करेंगे को इसी से को हम होल्ड कर देंगे चले जाएंगे अपने गूगल में यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर लिया हूँ अब यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लिख देना है जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया हूँ यहाँ पे लिखा हुआ हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे मैं अपना सिटी का नाम और यहाँ पे मैं अपना जिला का नाम और यहाँ पे आगे लिखता हूँ स्विफ्ट कोड इस तरीके से आपको पूरा लिखना है अब उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ सर्च कर दूंगा तो फिर इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना सिटी का नाम और अपना जिला का नाम डाल दिया हूँ तो यहाँ पे मेरा जो अपना जो मेरा पासबुक में लिखा हुआ जो स्विफ्ट कोड है जो आई कोड है सॉरी वो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे आ चुका है और उसी के नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा स्विफ्ट कोड यहाँ पे ये स्विफ्ट कोड यही हमारा स्विफ्ट कोड है जो यहाँ पे ऑलरेडी जो अपने अपने आप से आता है वो गलत होता है यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपको देख लेना कि आपका जो आईएफएससी कोड है आपके पासबुक पे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो एकदम यही से दिखेगा उसके नीचे आपको यहाँ पे स्विफ्ट कोड आपको दिखेगा तो इसको पर यहाँ से कॉपी कर लेना है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे रख दिया हूँ यहाँ पे मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे कॉपी हो चुका है अब मैं फिर से चल जाता हूँ अपना अल बैंक की एप्लीकेशन में इसको कट कर करता हूँ यहाँ पे मैं आ गया हूँ अब यहाँ पे मैं अपना जो स्विफ्ट कोड है इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ यहाँ पे जो मेरा आई सी यहाँ पे आई सी कोड हटा दिया हूँ यहाँ पे मैं स्विफ्ट कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पे स्विफ्ट कोड पर क्लिक है पहले से ही अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे क्लिक करना है आप जैसे ही बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा आपके सामने दिखाता हूँ बस आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो चुका है यहाँ पर मैं अपना बैंक का नाम यहाँ पे मैं अपना आई कोड यहाँ पे स्विफ्ट कोड यहाँ पे डाल दिया हूँ यहाँ पे बैंक अकाउंट पे मैं यहाँ पे चूज कर लिया हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच यहाँ पे आप क्लिक करना है ब्रांच पे सेलेक्ट ब्रांच पे यहाँ पे आपको अपना सिटी का नाम डाल के यहाँ पे सर्च कर लेना या फिर अपना जिला का नाम या फिर आप अपने आसपास में कोई भी आप गांव का नाम वगैरह डाल के अगर आपको मिल रहा है तो डाल सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है तो चलिए यहाँ पे मैं डाल के देख लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांच आ चुका है यहाँ पे मैं ब्रांच पे क्लिक करूंगा ब्रांच पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा आपको यहाँ पे नीचे लिखाना यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर चुका हूँ यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है यहाँ पे आ चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ चुका है बेनिफिशियरी डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको जिसका भी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उनके पासबुक पे जो पहला नाम है यहां पे आपको डाल देना है और उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली नेम यहाँ पे उनका सेकंड नाम डाल सकते हैं या फिर फैमिली नेम और उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी नेशनलिटी तो उनका नेशनलिटी डालना यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना नीचे और यहाँ पर उनका लिखा हुआ है वेयर ब्रांच एग्जिटिंग यानी सिटी का यहाँ पे नाम डाल देना है आपको और यहाँ पर उनका स्ट्रीट uh, नेम uh, और यहाँ पर आपको स्ट्रीट नंबर और यहाँ पर पीओ बॉक्स नंबर पर code, यहाँ पर पोस्ट कोड और लिखा हुआ है बेनिफिशरी स्टेट सिटी तो ये सब आपको यहाँ पे डालना चलिए यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट ये डाल के फिर आपको आगे दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इनका नाम डाल दिया हूँ यहाँ पे सिकेंड नाम यहाँ पे उनका नेशनलिटी इंडिया यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे उनका सिटी और यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रीट नेम यहाँ पे इनका स्ट्रीट नेम है गाँव का भी नाम डाल सकते हैं और यहाँ पर स्ट्रीट नंबर भी आपको यहाँ पे डाल देना है अपना कोड डाल देना है वहाँ का यहाँ पे पी बॉक्स नंबर डाल देना है आप यहाँ पर ये ऐसा गलत भी डाल सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल से निकाल भी सकते हैं और यहाँ पर आप जो भी देख सकते हैं लिखा हुआ है पोस्ट कोड यहाँ पे आपका पोस्ट कोड यहाँ पे आपको अपना एस सीटी यहाँ पे डाल देना है ये सब मैं यहाँ पे इंटर कर दिया हूँ यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे आप क्लिक करूंगा फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे बेनिफिशियरी का पूरा डिटेल आ जाएगा अगर आपको कुछ भी इसमें गलत गलत लगता है कुछ भी इस नाम में कुछ गड़बड़ी है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इसको बदल सकते हैं चेंज कर सकते हैं बाकी आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा ये सब आपको देख लेना फिर आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है कर्फर्म पे क्लिक करेंगे तो बेनिफिशरी कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे एक कोड आएगा जैसे आप कोड अभी मांग रहा है फोर डिजिट कोड यहाँ पे मांग रहा है तो अभी हमारा मोबाइल जो है इसमें नंबर पर कोड आ गया है अभी देख सकते हैं बस यहाँ पे मैं अलाउ पे क्लिक करूँगा अलाउ पे क्लिक करूँगा ये कोड यहाँ पर ले लेगा और अभी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यू नीड टू एक्टिवेट द बेनिफिशरी कॉल मी नाउ तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कॉल आएगा कस्टमर केयर का जो कहेगा कि बेनिफिशियरी एक्टिवेट करने के लिए इतना दबाएं तो आपको वही वहाँ पे प्रेस करना है दबाना है तो आपका बेनिफिशरी सक्सेसफुल एक्टिवेट हो जाएगा तो बेनिशियरी एक्टिवेट होने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि आप पैसे किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका को बताने वाला हूँ तो आपको बस इंतजार करना थोड़ा सा आपकी बेनिफिशरी डिवाइड होगी यहाँ पे कॉल भी आ चुका है आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं बेनिफिशरी जो है सक्सेसफुल एक्टिवेट हो चुकी है और यहाँ पर आपको एक मैसेज में दिखेगा कि यहाँ पे उनका जिसका बनीफिशरी ऐड करें उनका नाम दिखेगा हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड बेनिफिशरी दिखेगा आपको अब आपको यहाँ पे क्लिक करना यहाँ है यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू ट्रांसफर आपको यहाँ पे क्लिक करना है आपको फिर से चले जाना यहाँ पे इंटरनेशनल बेनिफिशरी के ऊपर यहाँ पर आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे जिस भी बेनफिशरी का पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं जो बनीफिशरी आप ऐड किए हैं उसी बेनिफिशरी को यहाँ पे आपको चूज कर लेना चलिए बनीफिशरी पर क्लिक करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर बेनिफिशरी मैं क्लिक कर दिया हूँ अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर दिखेगा आप जिस अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अकाउंट पे आपको क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको कितना पैसा ट्रांसफर करना है आप जिस कंट्री में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो ऑप्शन अभी यहाँ पे आ चुका है तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा अगर फर्स्ट में आप चाहें तो इंडिया की करेंसी के हिसाब से कर सकते हैं और चाहे तो सऊदी के रियाल के हिसाब से कर सकते हैं तो मुझे करना है इंडिया के हिसाब से कि इंडिया में मुझे तीस हजार भेजना है उसके लिए यहाँ पे मुझे पहले करेंसी पे क्लिक करना है यहाँ पे पहले मैं इंडियन पे क्लिक करता हूँ अब यहाँ पे मुझे सामने यहाँ पे इंडियन रुपीस यहाँ पे डालना है तो चलिए यहाँ पे हम तीस हजार यहाँ डाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं तीसरा यहाँ पे डाल चुका हूँ और यहाँ पे आपको बाकी करेंसी वगैरह कितना यहाँ पे एक्सचेंज रेट मिल रहा है आपको यहाँ पे सब दिख जाएगा तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अब यहाँ पे आपको जो भी आपको ऑप्शन अभी आप ठीक लगे आपको यहाँ पे चूज कर सकते हैं जैसे स्कूल का है या फिर कोई चीज़ परचेस करना है या फिर क्रेडिट कार्ड है तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेगा नीचे आपको यहाँ पे मेडिकल के लिए भेज रहे हैं दवा के लिए भेज रहे हैं तो अभी आपको यहाँ पे चूज़ कर रहे लेकिन मैं फैमिली के लिए भेज रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फैमिली वाले पे क्लिक करूँगा फैमिली वाले पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूरा बेनिफिशियरी का फिर से आपको डिटेल लिखाएगा कितना पैसा आप भेज रहे हैं और उनका यहाँ पे नाम अकाउंट नंबर यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा तो आपका जो चार्ज कट रहा है यहाँ पे चार्ज भी आपको दिख जाएगा कितना आप चार्ज जो कटा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल आ चुका है तो आपको उसके बाद फिर यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना नीचे ले आना यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है कन्फर्म पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है अभी हमारे पास यहाँ पे कोड भी आ चुका है बस यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक करना है अलाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है यहाँ पर ट्रांसफर सक्सेस आ चुका है और यहाँ पर इनका जो ट्रांसफर का जो फीस वगैरह यहाँ पे पूरा एडूट आपको रिसिप्ट मिल जाएगा चाहे तो आप यहाँ पे पीडीएफ में बना सकते हैं चाहे तो आप टेक्स्ट में भेज सकते हैं